नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वेबवर्क वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो के नीचे जाके रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा लीजिए, साथ में एक घंटा होगा उसे भी बजा लीजिए, मतलब उसे भी दबा लीजिए। साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि ये वीडियो तहलका मचाने वाला है यूट्यूब की दुनिया में। है तो गलत बात, यूट्यूबर्स को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल सागर और टेक्निकल गुरु जी ये यूट्यूब में हमारे से काफी ज्यादा दर्जे में बड़े हैं, लेकिन इनको यहाँ पे हमें एकजुट होने की बात सिखानी चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे की जो रंजिश है एक दूसरे को कहे सुने की बात एक दूसरे अपने अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। तो टेक्निकल सागर अपने यहाँ पे इंटरेक्टली तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं टेक्निकल गुरुजी के ऊपर। उनके बारे में आपको पता होगा कि पिछली बार टेक्निकल गुरुजी ने भी इंडायरेक्टली तरीके से कहा था जब टेक्निकल सागर अपना यूट्यूब चैनल छोड़ रहे थे, यूट्यूब की दुनिया छोड़ रहे थे, तो वहां पे उन्हें प्रोत्साहन की जगह उन्हें टेक्निकल गुरुजी ने कुछ कहा था कि अपनी मर्जी है भाई, छोड़ सकता है, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। ये शायद टेक्निकल सागर को बुरा लग गया और उन्होंने टेक्निकल गुरुजी की देव धजियां उड़ा दी हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए देखो इस वीडियो को पूरा। चाहूंगा कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, कैसे अंधभक्ति आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखने से पहले इस वीडियो को आप पूरी तरीके से ऑफलाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट करा दी जाए या मुझे प्रेशराइज किया जाए इसको डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास होगी तो आपको पता रहेगा कि पूरी आप देख पाएंगे, नहीं तो ये तुरंत भी डिलीट हो सकती है डालने के बाद। आज मैं एक इंसान के बारे में बात करना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर इस वीडियो में, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूँगा बट यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस एक हिंट दूंगा आपको, आप खुद समझ जाइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ सौरभ के बारे में, जो टेक्निकल जो आप लगा सकते हैं वो घटिया इंसान है। मैं चाहता तो उसका नाम ले लेता, मेरे को डर नहीं किसी बात। उनको यूट्यूब पर भगवान बना बैठे, उसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं नीचे आपसे बात कर रहा हूँ टेक्निकल जी, मैं आपसे ज़्यादा खुद को अच्छा समझता हूँ, ये मेरा कोई घमंड नहीं है और ऐसा मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, ये मेरा विश्वास है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये इंसान कैसे पनपा और कैसे यूट्यूब पर इसने नेगेटिविटी फैला दी, इसके बारे में बात करेंगे। एक यूट्यूबर थे वर्मा जी, वर्मा जी ने शुरुआत की, कोई उनको क्रेडिट नहीं देता बट यूट्यूब पर अगर किसी ने हिंदी में गैजेट्स को रिव्यू करना शुरू किया, फ़ोन्स को रिव्यू करना शुरू किया हिंदी में, तो पहले अच्छे स्तर पर वर्मा जी थे। वर्मा जी के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ, जो अभी टेक्निकल उसके नाम से दाढ़ी वाला है, वो तो दाढ़ी वाला आदमी है। उसने क्या किया, उसने एक वीडियो बनाई और वर्मा जी के चैनल पर अपलोड करने की रिक्वेस्ट की। वर्मा जी ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हो और मैं इस वीडियो को डाल देता हूँ ताकि आपका भी कुछ भला हो जाए, आप भी कुछ नया करना चाहते हो। उन्होंने ऐसा कर दिया और इसी जरिए टेक्निकल उसका है सौरभ का चैनल चल पड़ा। लेकिन बात यह है कि सौरभ अब कभी भी उनको क्रेडिट नहीं देता और हमेशा उनसे मतलब दूरी ही बनाए रखता है। अब लेवल की बात हुई कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोग ये बोलते हैं मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोग बोलते हैं कि हमारे जो टेक्निकल हैं वो इतना बड़ा पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर जियो नहीं होता और उनके चैनल को किसी ने पुश नहीं किया होता, उनकी वीडियो नहीं डाली होती, तो आज भी 2 या 3 लाख पर होते, ये मेरा दावा है। अगर जियो नहीं होता और उनकी किसी में चैनल का सपोर्ट नहीं दिया होता, और वो भी एहसान फरामोश, कभी एहसान नहीं मानते उनका, तो उनका चैनल आज भी 300K पे था। मेरे चैनल, मैं अपने अब कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आज मैं बोलूँगा, मेरे चैनल को किसी ने प्रमोट नहीं किया। जो लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता उनकी 300-300 वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते, और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर चैनल को पुश मिल जाए, शुरुआत में कुछ देखने वाले लोग मिल जाएं, तो वो चैनल चल पड़ता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं। तो इनको यूट्यूब की सक्सेस भी शुरुआत में भीख पर मिली है और ये अपने दिल पर हाथ रख के ये नहीं बोल सकते कि ये सारी इन्हीं की मेहनत है जो इन्होंने शुरू किया है। बात करते हैं इनके बिजनेस की, ये लेवल की बात करते हैं, तो मैं ज़रा बात कर देना चाहूँगा इनके लेवल क्या है। इनका बिजनेस है दुबई में और ये कुछ इंजीनियर वगैरह कुछ है, इन्होंने इंजीनियरिंग की है लेकिन ये अपने फैमिली बिजनेस पे काम करते हैं। मतलब जो इनका बिजनेस है ये भी इनका एस्टेब्लिश किया हुआ नहीं है, ये इनका फैमिली बिजनेस है। मतलब ये वो व्यक्ति हैं जो जन्म से ही मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए,
इन्होंने कुछ स्ट्रगल नहीं देखा, कुछ भी चीज खुद से शुरुआत नहीं की। ये दावा करते हैं कि इनको एप्पल से जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रमाण हमारे पास के पास पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा, उसको लगता था कि जिसके पास पैसे नहीं है, सौरभ को ये लगता था, तो वो दो कौड़ी का इंसान है। उन दोनों ने कोलैब भी किया था, मैं आपको बता दूं। लेकिन कोलैब करने के बाद क्या होता है कोलैब का मतलब? कोलैब का मतलब होता है दोनों यूट्यूबर आपस में मिलकर एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो दोनों के चैनल पर आएगी। लेकिन वो जो कोलैब की वीडियो है वो सिर्फ नुहेज के चैनल पर आई, टेक्निकल या जो सौरभ है उसके चैनल पर कभी नहीं आई। और जब उससे पूछा गया कि तुमने वो वीडियो अपने चैनल पर क्यों नहीं डाली, या कोई भी पूछता है कि क्यों नहीं डाली, तो पता है क्या जवाब दिया टेक्निकल ने? बोला, मेरे टैग से तुमको व्यूज तो आ गए ना, अब अपना काम करो। इतना घमंड, इतना घमंड। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप ये सब कैसे सिखाते हैं, आपने कैसे सीखा? तो टेक्निकल ने ये जवाब दिया कि जो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इंजीनियरिंग में क्या प्रोफेसर लोगों को नीचे गिराना, उनको गलत बोलना, मोबाइल फ़ोन के डब्बे खोलना और न्यूज़ रिपोर्टिंग करना सिखाते हैं? मैंने तो आज तक ऐसा इंजीनियरिंग का कोई भी कॉलेज नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चैनल तो चलाते हैं टेक्नोलॉजी का, खैर अच्छी बात है, लेकिन आए दिन ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन के डब्बे ही खोलते हैं। इनकी नींव स्ट्रांग नहीं है, ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। ये किसी आर्टिकल पर जाते हैं, वहाँ से थोड़ी हेडलाइन पढ़ते हैं, और इनको बकवास करना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप इनको दो तीन लाइन दे देंगे तो इस पर पूरे हफ्ते बकवास कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उस पर बकवास करते हैं, इनकी नॉलेज खोखली होती है और उन्हें बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट, इन खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं इनकी वीडियो की बहुत ही आसानी से धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ और इनको बता सकता हूँ कि इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। अब इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर इन्होंने कहा था कि माय मिनी आईफोन, मैं आपको बता दूँ वो मिनी आईफोन नहीं था, वो सिर्फ एक कार्ड फोन था और इसे क्लिक बेटिंग कहा जाता है। इनके चैनल की ग्रोथ पर अगर आप नज़र डालोगे तो ज़्यादातर वीडियो आपको वायरल सिर्फ जियो की न्यूज़ और आई बॉट या ऑडी, मैंने ऑडी खरीद ली या मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ये इनकी वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी और इन्हीं की वजह से इनकी ग्रोथ हुई है। ये समझते हैं कि आप भिखारी हैं, ये तीन तीन आईफोन के गिव अवे लगा देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसको शेयर करें। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, तभी मैं आपको ये आईफोन दूंगा। और लोग पागलों की तरह एक आईफोन के पीछे उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, उनको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ डब्बे खोलने देखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निकल आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा और आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये रहे कि इंडिया से पैसा कमा के दुबई ले जाए तो वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक मेहनत कश इंसान जो 7-8 साल से इंडस्ट्री में है, 10-5 पैसे कमा ले तो वो आपको गलत लगता है। ये सच्चाई है, क्योंकि आप उस इंसान को भगवान बना बैठे। और घमंड तो आप इसके टेक टॉक्स में और इसके टेक न्यूज़ में, आप इनके डिस्क्रिप्शन में, डैडी वाला जो इंसान है इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो VPN के प्रमोशन भरे पड़े। और मैं आपको बता दूं वो थर्ड क्लास VPN है जिसका वो प्रमोशन कर रहा है, जो आपको अच्छा बता रहा है कि आप VPN डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय ये, और वो देखता भी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, बस लगा देता है कि अपने काम पर ध्यान दो। वो इंसान अभी तक काम पर ध्यान दे रहा है। कौन चीक पब्लिसिटी कर रहा है और कौन नेगेटिविटी फैला रहा है ये आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उसके आने से पहले YouTube पर नेगेटिविटी का नाम भी नहीं हुआ करता था, और उसके आने के बाद से उसकी सबसे लड़ाई हुई कंज्यूमर टेक्नो नुहेज सपोर्ट वालों से पंगा हुआ था, माय सपोर्ट से हुआ था, लेकिन उनकी वीडियो डिलीट करा दी गई क्योंकि उन्होंने YouTube के डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे ये व्यक्ति महान बन रहा है, ये बोलता है कि मैं इंडिया आता हूँ तो आप मेरा फायदा उठाइए, मेरे साथ वीडियो बनाइए, कोलैब कीजिए। कोलैब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं, सिर्फ आप महान बन रहे हैं उनके चैनल्स पर आके, और ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है, उस यूट्यूबर के फायदे के लिए नहीं। उस यूट्यूबर को ये नहीं पता कि वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है, उसके चैनल पर कोई और व्यक्ति आ रहा है और वो व्यक्ति और ज़्यादा ऊपर चलता चला जा रहा है, और जो चैनल पर वो आया है वो अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। अगर ग्रो करना ही है, अगर कोलैब करना ही है तो दोनों के चैनल पर वीडियो डलनी चाहिए। कोलैब का असली मतलब यही होता है। मैं आपके सामने और कुछ तथ्य रखूंगा और अपने बारे में और उनके बारे में क्या झगड़ा हुआ था उसके पूरे प्रूफ विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और उस इंसान ने आगे क्या किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस इंसान के रेट्स क्या हैं, ये रिव्यू करने के कितने रेट लेता है, ये बिकाऊ है मैं आपको बता दूं, और इसके रेट मेरे को पता चल गए हैं। कहाँ से निकाले ये मत कहना, मैं एक एथिकल हैकर हूँ, तारीफ नहीं कर रहा, बट मेरे पेशे में चुटकियों का खेल है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।